मेरा नाम सिमोन राव है। मैं केवी रजोकरी में पढ़ता हूँ और आज मैं खुद की बनाई हुई एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है लोमड़ी की समझदारी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन जंगल के राजा शेर ने कुछ ऐलान किया। बैठे बैठे तो बोर हो रहे हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। वैसे भी इस लॉकडाउन पीरियड में कोई शहर जा नहीं दे रहा, सब तो शहर में बस पुलिस ही पुलिस है, बंदूक लेके खड़ी हुई है। शिकार करने गए शहर में, गोली मार देंगे हम, हमारे साथ तो बहुत बुरा हो रहा है, कुछ भी खाने के लिए नहीं है। हमें लगता है जंगल में भी कुछ मनोरंजन करना पड़ेगा, पर क्या? शायद मंत्री मुझे कुछ बोल पाए। महाराज, मैं आपका मंत्री होने के नाते आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आप सोच रहे हैं हम मनोरंजन क्या करें? हम मनोरंजन कर सकते हैं, जैसे हम गिल्ली डंडा का मैच करवा सकते हैं। पड़ोसी जंगल ने भी ऐसा ही किया था। क्या पड़ोसी जंगल ने? तुम पागल तो नहीं हो गए? हमारे पड़ोसी राज्य के चीटिंग करें तो फिर सब हमें बोलेंगे चीटर चीटर, यहाँ का राजा चीटर, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे क्योंकि हमने उनकी कॉपी कर ली है। हमें कुछ अपना अलग से करना पड़ेगा जो किसी राज्य ने अब तक नहीं करी। उसका भी इलाज है मेरे पास महाराज, हम एक दौड़ रखवा सकते हैं। ही रहेगी, कल जाके ढोल बोल बजा के कह दो कि प्रतियोगिता है दौड़ की, सब आएगा, जिनको भी आना है वो ही आएगा, सब नहीं, मुझसे भी पता नहीं क्या क्या पूछता है। हाँ, तो जो आना चाहता है वो ही आएगा। कल सुबह 6 बजे बोलना ताकि, और हमारी प्रतियोगिता होगी 7 बजे, ताकि लोगों को 1 घंटे का टाइम मिल सके प्रैक्टिस करने के लिए। ओ, कल सुबह 6 बजे, ठीक है ना? पर महाराज, 6 बजे कोई उठा भी होगा? तुम जो, बस तुम्हें कल 6 बजे बोलना है। मैं महाराज हूँ यहाँ का, मुझे सब पता है, सब उठे होते हैं 6 बजे। जाओ 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 बेटा जाओ। अगले दिन 7 बजे अरे यार, कौन है जो ढोल बजा रहा है? नींद खराब करती। 6 बजे तो वैसे भी मुझे इतनी अच्छी नींद आती है। अरे यार, थन थन थन, महाराज का आदेश है, सभी सुनिए सभी सुनिए, महाराज का आदेश है कि आज सुबह 7 बजे प्रतियोगिता होने वाली है दौड़ की। जो भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है वो सभी आज 6:30 बजे आ जाइएगा। उस समय हम आपको लिस्ट में नाम दे देंगे, ठीक है? आइएगा जरूर। सुबह 6:30 बजे, अरे ये तो उल्टा पड़ गया, ये तो पूरा गांव आ गया, महाराज से कहना पड़ेगा।
महल में। महाराज तो उल्टा हो गया, सभी जानवर आ गए गांव के। ये तो सच में उल्टा हो गया, सच में हो गया ये तो उल्टा। अब हम करें भी तो क्या करें, कुछ तो दिमाग लगाना। आइडिया, तुम एक काम करना कि वहीं पे यहाँ पे सारे लोग इकट्ठे हुए हैं वहां पे एक प्रतियोगिता करो, वहां पे दौड़ करो, उनमें से जो भी फर्स्ट सेकंड आएगा उनको यहाँ ले आओ, उनको फिर उस प्रतियोगिता के लिए हम डालेंगे और हमारे प्रिय दोस्त उनके साथ दौड़ में जाएंगे। चीता, उनके साथ तो इनका जीतना नामुमकिन है, मुझे पता ही है चीता ही जीतेंगे और उनके लिए जो भी जीतेगा ये ट्रॉफी सोने की। ठीक है, अभी तुम तो वहाँ पे जाओ और ये सब बोल दो मेरे मंत्री, मुझे तुम पे गौर गौर। जाओ। कुछ देर बाद, महाराज महाराज ये तो लोमड़ी और गोरिल्ला ने जीत लिए प्रतियोगिता, अब तो ये करेंगे पूरे प्रतियोगिता में राज। तो मेरे मंत्री हो या फिर उनके, कह रहे वो प्रतियोगिता में राज करेंगे, चीता करेगी चीता, ये है मेरा सबसे अच्छा दोस्त चीता। ठीक है, चीता ही जीत सकता। हाँ सर, माफ करिएगा माफ करिएगा महाराज, माफ करिएगा, चीता पूरी दौड़ पे राज करेगी। अब आए ना तुम लाइन पे। तो फिर अब तो कल करनी पड़ेगी प्रतियोगिता, आज तो अभी बज गए, कितनी धूप आने लगी है, अब प्रतियोगिता करेंगे तो फिर सबका पसीना छूटेगा, आपका भी छूट सकता है महाराज, इतनी गर्मी हो रही है बाहर, कल कर पाएंगे अब तो ये प्रतियोगिता 7 बजे। ठीक है महाराज। तुम कहीं ना कहीं तो सच कहते हो। हाँ हम कल कर लेंगे, कल 7 बजे प्रतियोगिता के लिए सभी लोग तैयार। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। तैयार है? अभी भी नहीं आ रही है। हम तैयार हैं। ओ बार ये आपकी आवाज। चलो तो अब प्रतियोगिता शुरू करते हैं, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे दोस्त चीता भी भाग लेने वाली है और इससे जीतना नामुमकिन है ना चीता? हाँ महाराज। बहुत अच्छी चीता। चलो प्रतियोगिता के पार्टिसिपेंट यहाँ पे हैं। उससे और की पहले मैं आपको ये बता दूं, जो भी जीतेगा उसे असली सोने की ट्रॉफी मिलेगी, असली सोने की, एकदम चमका के रखी है मैंने आप लोगों के लिए। ये मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने थोड़ी चमकाई है, ये तो मेरे मंत्री ने चमकाई है, पर मुझे ऐसा बोलना होगा तभी मेरी वाह वाह हो रही थी। हाँ मैं सच कह रहा हूँ, ये मैंने ही चमकाई है। राजा भी ना कभी मेरी तारीफ करते ही नहीं है, खुद की तारीफ करते रहते हैं। तुम चुप करो। तो ठीक है, अभी अगर थोड़ा आपको पानी वानी पी जाए तो पी लीजिए, अभी मैं आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूँ। तो
गोरिल्ला भागेगा तो फिर इतना भारी वजन लेके इतना तेज भागेगा कि जैसे भूकंप आता है वैसे ये पूरी जमीन हिला देगा, भूकंप दिला देगा ये। तो उसके लिए जैसे भूकंप आता है तो और हम तेज तेज भागते हैं भूकंप में तो फिर हम गिर जाते हैं। अगर हम धीरे धीरे चलते हैं तो हमें कुछ नहीं होता। तो उसके लिए मुझे धीरे धीरे जाना होगा और चीता गिर जाएगी क्योंकि वो तो तेज भागती है। पर अभी भी कुछ सोचने की बात है, अगर मैं धीरे धीरे भागूंगा तो फिर गोरिल्ला तो जीत जाएगा क्योंकि वो तेज भागेगा। मुझे इसके लिए दौड़ में ही कुछ सोचना होगा। देख लेना, दौड़ तो मैं ही जीतूंगा। मैं भागूंगा तो भूकंप आएगा, भूकंप, और कोर सब गिर जाएंगे, कोई नहीं जीत पाएगा। तुम भी जीता, तुम भी लोमड़ी। हाँ हाँ देख लेंगे, पर मैं अगर तुमने मेरे साथ ज्यादा चुटपैल करी ना तो फिर मैं अपने दोस्त को बुलाऊंगी जो कि है महाराज। वो तुम्हें ऐसा दंड देंगे तुम याद रखोगे। माफ करिएगा। हाँ लोमड़ी, तुम भेड़िए जैसे ज्यादा लगते हो। ठीक है, मैं ही जीतूंगा। प्रतियोगिता शुरू की जाए। चलो अब आराम से बैठ के प्रतियोगिता देखेंगे। भागो, मेरी प्लानिंग धीरे धीरे। Oh.
भाग रहे थे तो किसी दुष्ट हिप्पो ने तुम्हारे पास पर कील रख दी और तुमने उस पर पैर रख दिया। वो खुश होके हंसने लगा। तो वो तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? तुमने उसे मारने का मन नहीं कर रहा? जाओ मारो और वरना कोई और जीत जाएगा। तुम सही कह रहे हो लोमड़ी। देखता हूँ कहाँ है ये हिप्पो। कहाँ है ये हिप्पो? कहाँ छुप के बैठ गया ये हिप्पो? तुझसे मुझसे डर लग रहा है ना? डरपोक हिप्पो, मैं आ रहा हूँ। पागल गोरिल्ला, वो भी एक नंबर से पागल है। क्यों छोड़ के गया मैच अपना? दौड़ क्यों छोड़ के गया? इसमें तो बुद्धि नहीं है। बुद्धि की बहुत जरूरत चाहिए होती है दौड़ में भी, बस फुर्ती और ताकत नहीं चाहिए होती। चलो अब तो मैं जीतने चली। मैं जीत गई। मस्त मस्त चाय पी पी कर बहुत अच्छा लगता है दौड़ देखने पर। हमारी सीता जीतेगी ये दौड़, देखते हैं वो जीतने ही वाली है। ये कैसे लोमड़ी कैसे जीत गई? अरे चाय का मजा भी बिगाड़ दिया। ये जरूर कोई उसका मारजाल होगा, मुझे से बात करी होगी। लोमड़ी, आपने माया जाल क्यों बिछा रखा है? कैसे जीत गई आप? नहीं महाराज, ये कोई माया जाल नहीं था। और आप ये कह सकते हो माया जाल था, मेरे दिमाग का माया जाल था। बस दौड़ में ताकत और फुर्ती की ही जरूरत नहीं होती, थोड़ा दिमाग भी चाहिए होता है जीतने के लिए। दिमाग आप मुझे आपको सोने की ट्रॉफी दे दीजिए। ठीक है दे रहा हूँ। सोचा था अपने मस्त फूलों के सिंहासन में बैठ के अपना चीते दोस्त को जीतते हुए देखूंगा, उसको सोने की ट्रॉफी दूंगा, तो ये तो मुझ पर ही उल्टा पड़ गया। ये लो लोमड़ी, ये रही तुम्हारी ट्रॉफी। वाह ट्रॉफी, शिक्षा, बस दौड़ में अक्ल और ताकत और पूर्ति की जरूरत नहीं होती, अक्कल की भी जरूरत होती है। अक्कल की भी। धन्यवाद, मैं तो अपनी मस्त ट्रॉफी लेके जा रहा हूँ।